हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, कल काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया 20 अक्टूबर को हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती का। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी कितनी होगी। साथ ही काफ़ी लोगों ने ये भी मैसेज और कमेंट किए थे फेसबुक पेज पे हो, व्हाट्सअप पे हो या चैनल पे हो, कि आपने अब तक सॉल्व पेपर क्यों नहीं डाला इसका। तो इसके कुछ कारण थे दोस्तों। पहला कारण ये था कि मुझे पेपर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ एक हाई क्वालिटी में कि मैं उसको सॉल्व करवा सकूं। दूसरा कारण यह था कि इस बार जो पेपर था, हर जनपद का अलग अलग पेपर था। 13 के 13 जनपदों का अलग पेपर सेट किया था यहाँ पे UPTR ने। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था मैं बोलूँगा। इससे क्या होगा कि देखिए, जनपदवार इसमें वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, यानी कि हर अभ्यर्थी को एक ही जनपद का विकल्प दिया गया था। तो उसके आधार पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। इसका फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को, कैसे मिलेगा अभी मैं इस पर चर्चा करूँगा। और देखिए, काफ़ी लोग ये बोले थे कि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इसकी, ये बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए, मैंने केवल देहरादून और हरिद्वार का पेपर देखा, वो मुझे फेसबुक पेज पे भेजा था किसी ने, लेकिन क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से मैं उसको सॉल्व नहीं करवा पाया। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें पेपर को देखकर मुझे साफ साफ पता चल गया दोस्तों कि पेपर का जो लेवल था वो इजी लेवल का था। ठीक है, बिल्कुल इजी लेवल का था। कुछ क्वेश्चन मैथ और इंग्लिश में आए थे मॉडरेट लेवल के, और टफ लेवल का तो एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं था। जिन लोगों ने मेहनत की थी उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो तैयारी में संलग्न नहीं है उन लोगों के लिए तो पूरा पेपर ही कठिन है, लेकिन जो लोग तैयारी में संलग्न थे उन लोगों के लिए पेपर ईजी था। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था, UBTR का जो लेवल है वो UK SSSC से काफ़ी 19-20 है। UK SSSC का जो पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू टफ लेवल का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर को देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि जो इसकी कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी। सबसे पहले देखिए, मैं कट ऑफ बताकर यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। कट ऑफ महज एक आंकड़ा है। आपने पेपर को कैसे किया है, आपने अपनी मेहनत को वहाँ पर कैसे एंगेज किया, ये आपका रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कितने आप सही करके आए हैं। जिसका पहला एग्ज़ाम था उसको बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने अगर 60+ भी इसमें स्कोर किया तो काफ़ी अच्छे ट्रैक पे हैं आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल एंड OBC की। ठीक है, थोड़ा समझिएगा दोस्तों। देखिए, 13 जनपद हैं, 13 जनपदों में 13 अलग अलग पेपर आए। तो इसको देखते हुए दोस्तों मैं एक बात बोल सकता हूँ, काफ़ी लोगों ने ऐसे जनपदों से आवेदन किया था जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी। जैसे मैं बात करूँ, नैनीताल हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी। ठीक है, तो काफ़ी जो मैं बोल सकता हूँ, जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी में संलग्न लोग थे, उन्होंने जहाँ से ज़्यादा वैकेंसीज थी वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। कम वैकेंसी वाले जनपदों में कम लोगों ने अप्लाई किया था और पेपर भी अलग अलग आ गया। इसको देखते हुए जो मेरिट है ना वो काफ़ी वेरी होगी। ठीक है, किसी जनपद की मेरिट काफ़ी हाई जाएगी, किसी जनपद की मेरिट काफ़ी नीचे आने वाली है। आप ये देखिएगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं सेफ जोन की बात करूँगा। अगर सेफ जोन, अगर आप सोचते हैं कि मैं सिलेक्शन की दौड़ में रहूँ, तो जनरल और OBC के लिए जो स्कोर है वो 80 है, प्लस माइनस 5 हो सकता है यहाँ पे साफ साफ। या तो मेरिट 75 जा सकती है या मेरिट 85+ भी जा सकती है। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें बोले थे कि मेरिट जो जाएगी 90 जाएगी, 95 जाएगी। कुछ कैंडिडेट होंगे जो इस स्कोर को गेन करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जितने भी वहाँ पे मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट होंगे वो 90+ स्कोर लेके आए। क्योंकि जिन लोगों ने, देखिए काफ़ी लोग 5 साल से 4 साल से उत्तराखंड समूह की तैयारी में संलग्न है, तो उन लोगों का सेम जो फोकस रहता है वो रहता है हिंदी पे, उत्तराखंड GK पे और GK पे। इस पेपर में आपका जनरल इंग्लिश भी थी, भले हल्की थी, और साथ ही मैथ भी थी। लेकिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया तो उन लोगों के लिए ये भी एक कठिन पोर्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए जिन लोगों का भी स्कोर ध्यान रखेंगे, और जनरल OBC में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहने वाला, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, इक्का दुक्का नंबरों का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को। तो 80+ स्कोर जिसने किया है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, किसी भी जनपद से हो। मान के चलिए कुछ जनपद ऐसे हैं कि जहाँ पे मेरिट इससे भी नीचे आने वाली है। जिन जनपदों में जैसे 7 या 8 वैकेंसी थी, काफ़ी कम लोगों ने वहाँ से अप्लाई किया हुआ है, और जो वहाँ के टैलेंटेड बच्चे थे वो अदर जनपद में चले गए पेपर देने, वहाँ से अप्लाई किया उन्होंने, तो वहाँ पे जो बच्चे बचेंगे एवरेज बच्चे बचेंगे, उनकी मेरिट जो जाएगी तो एवरेज मेरिट होगी, वो 80 से भी काफ़ी नीचे आ सकती है, समझ पा रहे हैं। 70 भी देखने को मिल सकता है आपको कहीं कहीं पे कट ऑफ जनरल का। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरिट विल बी वेरी अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड वैकेंसी, और पेपर भी इसमें एक महत्वपूर्ण मेजर फैक्ट अदा करेगा, क्योंकि पेपर अलग अलग था हर जनपद का। ठीक है, तो कहीं पे ऐसे भी क्वेश्चन फंसे होंगे कि किसी आदमी को पूरे क्वेश्चन आएंगे GS के, हिंदी के, ठीक है, जो सरल पोर्शन थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड GK के, और पेपर पैटर्न सेम वैसा ही था,
इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए थे, मैथ के 20 क्वेश्चन मिले आपको इसमें, और इसके साथ साथ साइंस के काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिले। साइंस यहाँ पे दिया था पैटर्न में, लेकिन साइंस के क्वेश्चन उस लेवल के नहीं देखने को मिले, काफ़ी कम क्वेश्चन थे। उत्तराखंड जी के यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे रखा था आयोग ने हर पेपर में। ठीक है, तो ये था जनरल और ओबीसी का कट ऑफ। दोस्तों देखिए, अगर आप 75, 80, 85, 90 के आसपास हैं, तो आप समझिए कि आप अभी दौड़ में शामिल हैं। ठीक है, बिल्कुल निराश ना हो, जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एससी की। ठीक है, तो एससी की जो मेरिट रहेगी वो 75 ± 5 रहेगी, ध्यान रखेंगे। और जिन जनपदों में मैं बोल रहा हूँ कि वैकेंसी काफ़ी कम थी, वहाँ पे ये मेरिट काफ़ी वेरी कर सकते हैं, 65 to 60 भी गिर सकती है, 70 भी गिर सकती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एसटी, देखिए एसटी की वैकेंसी में मैं बोलूँगा कि एसटी की जो वैकेंसी रहेगी वो 75 ± 5 ही रहेगी ये भी। ठीक है, आपको जनरल के आसपास भी एसटी की जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि एसटी की वैकेंसी कम है और काफ़ी लोग अपीयर करते हैं इसमें, और साथ ही काफ़ी लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में ये मेरिट कम जाती हो। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। देखिए, ईडब्ल्यूएस काफ़ी कम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया होगा, मेरे को पता है। अगर ईडब्ल्यूएस किसी ने लगाया था, सर्टिफिकेट उसका बन गया था, तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट तो कम जाने वाली है जनरल ओबीसी एससी एसटी से, इतना तो ध्यान रखें आप। इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है, इसकी बहुत ही कम मेरिट जाएगी इन तीनों कैटेगरी की, अगर मैं तुलना करूँ तो। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं एक्स आर्मी और फिजिकली जो हैंडीकैप है, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं, उनकी मेरिट जा सकती है दोस्तों 65 to 55। ठीक है, तो 55 प्लस जिनका स्कोर है एक्स आर्मी और पीएच कैंडिडेट्स, वो दौड़ में शामिल हैं इस वैकेंसी में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस 10 हो सकता है। तो इस मेरिट का मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, देखिए मेरिट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, जो पेपर लेवल है उसको देखते हुए यहाँ पे मैंने सेट किया है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है किसी ने इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पूछे थे, उसके एक ही सही हो, उसमें 9 गलत हो। ठीक है, मैथ में काफ़ी लोगों का हाथ तंग होता है उत्तराखंड में खासकर, तो मैथ में मेरिट आपकी गिर जाएगी। तो इसको देखते हुए ये केवल एक संभावित आंकड़े हैं दोस्तों, मैं किसी भी प्रकार से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना स्कोर अगर आपने किया है तो आप एक सेलेक्शन के जो बोलते हैं ना जोन होता है, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं शामिल हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। पेपर इसलिए सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि 13 जनपदों के 13 अलग अलग वरियस पेपर बनाए थे इस बार UBTER ने, तो 13 पेपर सॉल्व करवाना थोड़ा मुश्किल काम है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर कोई मेरे को साफ करके अगर किसी भी एक जनपद का पेपर भेज देगा तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड हाई कोर्ट ग्रुप डी पेपर जो 20 अक्टूबर कल हुआ था, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड या सेफ स्कोर आपका मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस किया है, कि जितने टाइम से मैं हूँ इस फील्ड में, इसको देखते हुए पेपर बोल सकता हूँ मैं इजी था, लेकिन मैथ इंग्लिश का पोर्शन होने की वजह से पेपर इजी नहीं था। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप मेरी इस बात को। चलिए, ये पेपर तो हो गया दोस्तों, अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको देख लेंगे, लेकिन आगे की तैयारी क्या है आपकी। 3 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है ACF का, तो उसके लिए मेहनत करें, जिन लोगों ने भी ACF का फॉर्म भरा है प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेहनत करें। और साथ ही बोलना चाहूँगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लर्क और जो स्टेनो की भर्ती आई है उसके लिए भी जल्दी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, सामान्य हिंदी की चल रही है, उत्तराखंड GK की चल रही है, GK की चल रही है, उसके साथ साथ मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवाने की जो कवायद है वो मैं जल्दी ही शुरू करूँगा, जिसका आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जो नए लोग हैं चैनल पर, दोस्तों उन लोगों को बोलना चाहूँगा, देखिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लिए यहाँ पर आप बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की देखिए वरियस बुक्स से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पिक किए हैं इन ई बुक्स में। उत्तराखंड की लगभग 10 से 12 अलग अलग किताबों से मैंने क्वेश्चन पिक करके इनमें इंक्लूड किए हैं, तो नए लोग जिन्होंने अभी तक उत्तराखंड GK ऑनलाइनर नहीं ली है वो इन बुक्स को ले लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगी, क्योंकि देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लर्क के स्टैनो में 70 अंकों का उत्तराखंड GK व अन्य GK पूछा जाना है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास आप ले सकते हैं, जिसमें कुमाऊं का चंद्रवंश, गढ़वाल का पंवार वंश और गोरखा शासन के आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट जानने को मिलेंगे। और साथ ही उत्तराखंड इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें उत्तराखंड की वरियस जानकारी है, बहुत अच्छी बुक है, तो ये आप जरूर ले लीजिएगा। जो नए लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, पुराने लोगों ने तो काफ़ी लोगों ने ले लिया है इसको। इसके साथ साथ जितने भी टेस्ट सीरीज चैनल पर चल रहे हैं उनको ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ, और साथ ही जाते जाते एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फादर ऑफ मसूरी निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जॉन मैकिनन, कैप्टन यंग, रस्किन बॉन्ड या कमिश्नर लुसिंगटन। ठीक है,
तो फादर ऑफ मसूरी बताना है आपने कमेंट बॉक्स में। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ, साथ ही जो ACF के टेस्ट सीरीज चले उसको जरूर फॉलो करें सभी लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड ऑल द बेस्ट है सभी लोगों को। मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार सेलेक्ट होंगे ग्रुप डी के एग्जाम में। थैंक यू।